नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका द कबीरा एक्सप्रेस में। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। मनीष गुप्ता मर्डर केस में आया एक चौंकाने वाला तथ्य सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई पुलिस की बर्बरता। सिर में चोट के साथ शरीर पर भी घाव के निशान मिले। मनीष गुप्ता हत्याकांड में पोस्टमार्टम के बाद नए तथ्य सामने आ गए हैं। दो डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम किया है, जिससे ये साफ हो गया है कि सिर्फ गिरने भर से ऐसी चोट संभव नहीं है। घटना के बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने होटल के कमरे सफाई पर सवाल खड़े किए हैं। मीनाक्षी ने पुलिस से पूछा कि आखिर घटनास्थल की सफाई क्यों कराई गई और कमरे में जो खून फैला था उसे क्यों धुलवाया गया। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड ने बढ़ाया यूपी में सियासी पारा। मनीष गुप्ता के परिजनों से कानपुर आकर मिले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कहा, सरकार की ठोकने वाली पॉलिसी से बेलगाम है यूपी पुलिस। अखिलेश ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया और योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि बड़ी विडंबना की बात है कि बाबा मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी निरंतर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर सरकार ने उचित समय पर कार्रवाई की होती तो आज मनीष गुप्ता को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। अगली खबर उत्तराखंड से। बलबीर गिरी अब संभाले के बागमबरी मठ की गद्दी। निरंजनी अखाड़े में पंचों की बैठक के बाद हुई घोषणा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी की निरंतर तलाश चल रही थी। इसी बीच हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में हुई पंचों की बैठक में यह फैसला लिया गया कि बलबीर गिरी अब दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के रूप में अब उस मठ को संभालने का काम करेंगे। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी ने बलबीर गिरी के उत्तराधिकारी बनने की घोषणा की और कहा कि एक बोर्ड भी बनाया जाएगा जिसमें 5 सदस्य होंगे और वो बोर्ड मठ की मर्यादा रखने का काम करेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से। आजमगढ़ में डायरिया का प्रकोप है जारी। अब तक 4 लोगों ने दम तोड़ा। 300 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती। प्रशासन आंकड़े छुपाने में लगा। यूपी के आजमगढ़ जिले में डायरिया घातक होता जा रहा है। गुरुवार को 2 और लोगों की मौत की खबरें आई हैं, जिसके बाद मृतकों की संख्या 4 हो गई है। जिला प्रशासन मौत के आंकड़ों को छुपाने में लगा हुआ है, तो वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी है, लेकिन हालात संभल नहीं रहे हैं।